हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम पहले फिजिक्स के एनसीईआरटी को पढ़ चुके हैं और अब हम लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चंस, तो थोड़ा शॉर्ट में ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसमें हम बायोलॉजी की पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो ये है जीव विज्ञान के शाखा चैप्टर से क्वेश्चंस। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो ये होता है यहाँ अंगूर का उत्पादन। जेरोन्टोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था में आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? इसमें प्रयुक्त होता है केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरिकल्चर के द्वारा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनके जनक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जंतु विज्ञान, इसके जनक हैं अरस्तू। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान के हैं रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के हैं एडवर्ड जेनर। वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान के कैरोलस लीनियस। रुधिर प्रसंचरण तंत्र के हैं विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन ह्यूगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान इसके हैं एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान इसके हैं स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग के हैं कार्लेन स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान इसके हैं थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवंशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी के हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको घुमाने के लिए पूछ सकते हैं आनुवंशिकी के जनक, या फिर ये कह सकते हैं आधुनिक आनुवंशिकी के जनक आपको घुमाने के लिए, तो दोनों के जनक एक ही है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान इसके हैं बीरबल साहनी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी इसके हैं पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान इसके हैं विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान इसके हैं MOP अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी इसके हैं रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान इसके हैं हिप्पोक्रेट्स। सूक्ष्मदर्शिकी इसके हैं एंटनी वन ल्यूवेन हॉक। सूक्ष्म चिकित्सा इसके हैं एंडरसन। आगे देखते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं ये हैं घास विज्ञान। घास विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन व पालन। एल्गोलॉजी इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी इसके अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी इसके अंदर पुष्पों का अध्ययन होता है। जीवाणु विज्ञान इसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन होता है। ब्रायोलॉजी इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। कैसीडोलॉजी इसके अंतर्गत
पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसके अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी इसके अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। इकोलॉजी इसके अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन होता है। इकोनॉमिक बॉटनी इसके अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है एथनोबॉटनी, इसके अंतर्गत आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन होता है। फॉरेस्टी इसके अंतर्गत वनों का अध्ययन होता है। एक्सोबायोलॉजी इसके अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरित का अध्ययन होता है। लाइकेनोलॉजी इसके अंतर्गत लाइकेन्स का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी इसके अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। और निमेटोलॉजी इसके अंतर्गत निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं माइकोलॉजी इसके अंतर्गत कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी इसके अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। निमेटोलॉजी इसके अंतर्गत निमेटोड्स का पादपों के साथ अध्ययन संबंधों का अध्ययन होता है। पेलियोबॉटनी इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। पेलिनोलॉजी इसके अंतर्गत पादप परागकणों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी इसके अंतर्गत पादप रोगों का उपचार व अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी इसके अंतर्गत पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन होता है। फार्मेकोलॉजी इसके अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी इसके अंतर्गत विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। टेराडोलॉजी इसके अंतर्गत टेराडोफाइट्स का अध्ययन होता है। फाइटोजियोग्राफी इसके अंतर्गत पौधों के वितरण का उसके कारणों का अध्ययन होता है। स्पेस बायोलॉजी इसके अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है। स्पर्मेलॉजी इसके अंतर्गत बीजों का अध्ययन होता है। हीलियोथेरेपी इसके अंतर्गत सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं एनाटॉमी, इसके अंतर्गत विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की संरचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के संस्कृति विज्ञान का अध्ययन है। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी है। एंडोक्राइनोलॉजी यह अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करता है। एम्ब्रायोलॉजी इसके अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी इसके अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी इसके अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स इसके अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इसकी इनकी वंशागति का अध्ययन होता है। हीमेटोलॉजी इसके अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी इसके अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। मैमेलोलॉजी इसके अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। ऑटोडोलॉजी इसके अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी इसके अंतर्गत रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी इसके अंतर्गत जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन होता है। टैक्सोनॉमी इसके अंतर्गत जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन होता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे कल देखते हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, ये चैप्टर नंबर 2 है, तो इसे हम कल देखेंगे। तो देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर पे बायोलॉजी की एनसीईआरटी। धन्यवाद।